तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स डीवीआर के स्टॉक के बारे में। टाटा मोटर्स डीवीआर के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगा था डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके वजह से अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 2.18% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 449 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 465, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 480 और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक करेगा देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में 500 और 520 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसा नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। भाई यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अभी गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 433 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 414 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 402 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कोई कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।